सरकार को जो है तीनों कानून वापस ले लेने हैं और एमएसपी को कानून बना देना है। सरकार को इधर उधर ना घूम के, गोल गोल ना घूम के, सीधे सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। जब आप जो एमएसपी घोषित कर रहे हैं आप उसे नहीं किसान को दिलवा पा रहे हैं, तो बाकी और चीजें आप क्या दिलवा पाएंगे? जिन उद्योगपतियों का कर्जा आप माफ कर रहे हो, इस तरह से आंदोलनकारी जो है, किसान आंदोलन जो पिछले 24 दिनों से चल रहा है, यहाँ पर जो है उसी आंदोलन में शामिल है सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जो है, हम उनसे भी जानते हैं, तो वकील साहब से थोड़ा बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, ये दरअसल इतना देरी क्यों हो रहा है? कुछ फैसला सरकार नहीं मतलब कर रही है ना, बातचीत कुछ ऐसा कर रही है कि जिससे बात बन जाए? नहीं देखिए, बातचीत करने का मतलब ये, बात बहुत सीधी सी है, आप सरकार को जो है तीनों कानून वापस ले लेने हैं और एमएसपी को कानून बना देना है, इतनी सी बात है। सरकार बेवजह अपने अहंकार में और मोदी जी अपनी ईगो में इस मामले को लटका रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। हमारा जो पक्ष है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार गोल गोल घूम रही है, सरकार को इधर उधर ना घूम के, गोल गोल ना घूम के, सीधे सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। आप बता रहे हैं कि इतने हजार करोड़ जो है हमने जो किसानों के खाते में सीधे भेज दिए, इतना हम साल में भेजते हैं, हम इतना कर रहे हैं, एमएसपी पर इस बार रिकॉर्ड खरीद हुई है, इन बातों से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जो तीनों कानून आपने बनाए हैं उस कानून के विषय में बात करूँ, उसकी एक धारा, एक एक धारा, एक एक सेक्शन, उस पर बात करो कि वो देश के हित में, देश की जनता के हित में, किसानों के हित में कितने हैं और उनको तबाह करने वाले कितने हैं। वो तो कह रहे हैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल में वो बता रहे थे किसान को जो है, ये मतलब जब से हमारी सरकार आई है तब से किसानों को डबल आय मिल रहा है, उसके पहले जो है उनको घाटे में जा रहे थे, मतलब उनको आय उतना नहीं मिलता था, अब सरकार में बढ़त मिल रही है और ये किसानों के लिए कानून बनाए। आप मुझे एक बात, क्या किसानों को जो एमएसपी सरकार घोषित करती है वो एमएसपी मिल रही है? नहीं मिल रही, एक भी फसल पर नहीं मिल रही। किसान के लिए एमएसपी घोषित करती है 1925 गेहूं पर, गेहूं बिक रहा है 1400-1500 रुपए क्विंटल। एमएसपी डिक्लेयर करती है सरकार मक्का पर 1850 रुपए, मक्का बिक रही है 900 रुपए। जो धान की एमएसपी है वो सरकार डिक्लेयर करती है 1868 रुपए, धान बिक रहा 1100 रुपए और 1000 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग की एमएसपी 7165 के आसपास घोषित कर रही है सरकार, मूंग बिक रही है मार्केट में, किसान से जो ली जा रही है 3100 रुपए, 3200 रुपए, 3500 रुपए, 3600 रुपए तक एमएसपी मिल रही है। जब आप जो एमएसपी घोषित कर रहे हैं आप उसे नहीं किसान को दिलवा पा रहे हैं, तो बाकी और चीजें आप क्या दिलवा पाएंगे और आपकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए? और इस देश में जो एमएसपी मिल रही है वो मात्र 6% किसानों को मिल रही है, वो भी हमारे पंजाब और हरियाणा के जो जागरूक हमारे साथी हैं और मंडी समिति की व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करती है उनको मिलती है। देश में बाकी कहीं भी आप एमएसपी मिलती नहीं है। और दूसरा, सरकार जो एमएसपी 23 फसलों पर घोषित करती है लेकिन खरीदती केवल दो ही चीजें हैं, गेहूं और धान, तो बाकी क्यों नहीं खरीदते आप? इसको पहले समझाएंगे ना लोगों को, जो चीजें हैं आप इसको समझाओ, इसको छोड़ के आप आगे क्यों जा रहे हैं? और आगे भी आप वो जा रहे हैं कि जिससे देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दो उद्योगपति की चौखट पर गुलाम मतलब गिरवी रख जाएगा, आप उसको बताइए। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो एमएसपी आपने घोषित की है, एक तो आप उसको सही करो। कैसे सही करनी है? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी जितने किसान की लागत है और किसान की जो मेहनत है, उसकी जमीन की जो स्थिति है, उस पर कैलकुलेट आपको करनी है C2, और उस C2 पर 50% प्लस करके आपको एमएसपी देनी है। आज की तारीख में कितनी बैठेगी ईमानदारी से? गेहूं पर जो 1975 रुपए की एमएसपी है, अगर C2 स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से आप दोगे तो 3000 रुपए क्विंटल गेहूं बिकेगा। यह है एमएसपी। आप ये एमएसपी हमें दीजिए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की। हम तो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं, मिट्टी जैसा रंग अपना बना के उसमें से हम
अन्न उगाते हैं, सोना उगाते हैं, हमें हमारी उसकी कीमत दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये 6000 रुपए आपके ऊपर वार कर हम आप ही को दे देते हैं, अपनी जेब में रखो आप, हमें नहीं चाहिए ये 6000 रुपए, हमें वो कीमत चाहिए, आप वो नहीं दे रहे। दूसरा, जब आप 23 फसलों पर MSP घोषित कर रहे हैं तो आप दो फसलों को ही क्यों खरीद रहे हैं? आप बाकी को भी खरीदिए ना, आप बाकी को खरीदिए। अगर आप बाकी को खरीदेंगे तो आपको जो आपका जो बिल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब आप कहेंगे कि हमें किसानों को थोड़ा और ज्यादा जो है पैसा देना पड़ेगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट अगर हम करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद में कितनी कीमत आती है, लगभग अगर सभी फसलों पर जो MSP सरकार घोषित कर रही है ईमानदारी से वो दे तो 10 लाख करोड़ से लेके और बाकी और सारा खर्चा लगा के 15 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है एक साल में MSP पर पूरी फसलों में देने के। अब लोग कहेंगे कि यार 30 लाख करोड़ का तो सरकार का बजट है, तो ये 15 लाख करोड़ अगर किसानों को दे दिया जाएगा तो कहां से आएगा? मैं बताता हूं कहां से आएगा। जिन उद्योगपतियों का 5 लाख करोड़ का टैक्स में छूट हर साल देते हो आप, उनको टैक्स में छूट देना बंद करो तो 5 लाख करोड़ तो यहां से आ गया। जिन उद्योगपतियों का कर्जा आप माफ कर रहे हो और इस सरकार ने अब तक 7,77,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में 2015 से लेकर 2019 तक माफ कर दिया उद्योगपतियों का 7,77,000 करोड़। तीसरा, जिन उद्योगपतियों का आपने माफ भी किया है और उन पे अभी भी बैंकों का कर्जा है चढ़ा हुआ है, वो कितना है? लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपया वो है, आप वसूल कीजिए उनसे, उनके बाप का नहीं है, इस देश की जनता का पैसा है, इस देश का है, बैंकों का पैसा है। ये सेना, ये फोर्स आपने लगा रखी है किसानों के लिए, इसका इस्तेमाल वहां कीजिए ना, कि उद्योगपति जो लेके बैठा है लोगों का पैसा कर्जा लेके बैठा है उसके गिरेबान को पकड़ कर वहां से लेके आइए। वो पैसा आप किसानों को दीजिए ना दीजिए, ये है सारी चीजें। और इसके अलावा जो आप खर्चे करते हो जिनकी जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक चीज सवाल पूछनी चाहिए सरकार नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी आपने 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने का वादा किया, आपने 1 को रोजगार नहीं दिया, बशर्ते इसके अलावा 35 करोड़ इस देश के लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, देश का युवा पूरी तरह से तबाह बेरोजगार, आप कोई नौकरी दे नहीं रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कुल मिला के लगभग 1.25 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो अप्रूव्ड है, स्वीकृत पद है, उसके लिए किसी कानून की किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो जब भी आप चाहे भर सकते हैं, आपने वो नहीं भरे, वो खाली पड़े हैं। आप सारी किसी को भी कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने कोरोना के संकट के समय 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ाया और उसमें मुश्किल से 1.5 लाख करोड़ ही निकला जो हकीकत में था, बाकी कुछ नहीं निकला, बाकी सब आप कर्जा ले लो। अरे रोजगार बंद है, काम बंद है, फैक्ट्री चल नहीं रही, कोई काम हो नहीं रहा, कर्जा लेके क्या करेगा आदमी, बताओ ना क्या करेगा। तो आपने ये सारी चीजें की हुई हैं, आप इन सारी चीजों को ठीक आपको करना चाहिए, लेकिन आप इनको कर नहीं रहे। तो जब आप रोजगार नहीं दे रहे, जब कोई काम नहीं हो रहा, सरकार का खर्चा 20% कैसे बढ़ गया बताइए आप मुझे। लोगों को सबको सवाल पूछना चाहिए सरकार से, एक नौकरी नहीं दे रहे, जो रिटायर होगा नौकरी है ही नहीं, पेंशन आप दे नहीं रहे, 2004 से बंद है, नई पेंशन में जो वो कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन है वो है, पहले फैमिली पेंशन मिलती थी, आप एक भी समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए पैसा दे नहीं रहे, तो तुम्हारा खर्चा कैसे बढ़ गया? इसका मतलब ये है कि तुमने देश के जो लोग हैं उनके पैसे पर, टैक्स पेयर के पैसे पर आप मौज मनाने में लगे हुए हो, देश को लूटने में लगे हुए हैं। तो जो आप देश को लूट रहे हो, और अकेले मोदी जी पर हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और मोदी जी के केवल प्रचार पर, उनके विज्ञापन पर जो आप देखते हैं, जगह जगह पोस्टर मोदी जी के हैं, हर मीडिया में दिखाया जाता है, 1 मिनट में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, 1 मिनट में, 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में मोदी जी के प्रचार पर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। आप अपने लिए 10,000 करोड़ का जहाज लेके आए हैं जिसमें आप चलेंगे, लोकल से वोकल की बात करते हैं, ये हवाई जहाज आपके किसी लोकल चाचा ने बनाया क्या? कहां से लेके आए इसे? जिन 3.5 करोड़ की एक गाड़ी और आपके साथ में 10 गाड़ियां चलती हैं जिनमें आप घूमते हो,
कहां से है, वो लोकल है कहां से है वो? मतलब आप तो जो मन में आए वो करें, आप खर्चा अंधाधुन बढ़ा रहे हैं और लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हक की लड़ाई भी ना लड़ाए। तो ये जो पैसा आएगा, जो मैंने आपको बताया, ये पैसा यहां से आएगा। अगर सरकार ईमानदार है तो ये पैसा वहां से ले, जो टैक्स पेयर का पैसा, ये जो टैक्स में छूट उनको दी जा रही है उद्योगपतियों को, वो पूरी तरह से बंद करे, किसानों को दे, किसानों की स्थिति बेहतर करे। क्योंकि केवल किसान नहीं है, किसान के साथ साथ खेतीहर मजदूर भी है। तो इस तरह से देश के लगभग 80 करोड़ लोग, यानी 60% लोग खेती पर निर्भर हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं वो खेती पर निर्भर हैं। 80 करोड़ लोगों का जीवन ऊंचा उठ सके, अच्छा हो सके, उन्हें सुकून की रोटी मिल सके, उनके बच्चे भी आगे पढ़ सकें। लेकिन जब आपने पूरे देश को तबाह करने की ठानी ली है और आप दो उद्योगपतियों की चौखट पर गुलामी करते हैं और देश को भी गिरवी रखना चाहते हैं, तब देश की यही स्थिति है। तो मैं तो यही कहूंगा, इन सारी चीजों को समझ के मोदी जी को तत्काल, बिना एक मिनट गवाए, बिना इधर उधर सोचे, आज वो गुरुद्वारा रकाबगंज गए हैं, गुरु साहब के सामने जो माथा टेक के आए, गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दें कि कल यहाँ आके सबके बीच में हाथ जोड़ के माफी मांगे, किसानों से, पूरे देश से, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी भूल हो गई, मैंने जो आपको कष्ट पहुंचाया उसके लिए मुझे माफ करें, और ये तीनों कानून मैं वापस ले रहा हूं, MSP को कानून बनाऊंगा। बड़ा काम बड़ा, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, काम भी बड़े करें। क्योंकि कहते हैं कि जब बड़ा होता है तो झुक जाता है, फल आते हैं तो झुक जाता है, पर मोदी जी बड़े क्या हुए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वो उसी की तरह लंबे आंख ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं देखते, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो झुक के काम करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, और अगर अकड़ दिखाएंगे जो दिखा रहे हैं, तो इस दुनिया में अकड़ अच्छो अच्छो की इसी मिट्टी में मिल गई। यही मेरा कहना, बस करिए, बहुत हो गया। वकील साहब, एक बात ये कहूंगा मैं कि बीच बीच में जो है, अभी जो कहा गया, मंत्रियों ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, और अब भोपाल में उन्होंने 1.25 लाख लोगों को जो किसान थे उनको संबोधित कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे, वो किसान कौन थे? और ये जिन किसानों को संबोधित कर रहे थे वो किराए पे लाए हुए लोग थे, और वो किसानों से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि किसान क्या आंदोलन कर रहे हैं, आपका क्या वो है इसमें, कह रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, किसान सही कर रहे हैं, सही लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं किसानों ने कहा जो सम्मेलन में थे। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो ये खान मार्केट का गैंग, और ये जो सब कहते हैं, तो बीजेपी की रणनीति है। कुछ उन्होंने बदतमीज लोग बीजेपी ने इसी बात के लिए पाल रखे हैं कि लोगों को बदनाम करने के लिए वो करें। मोदी जी तो बड़े साधु संत बने रहे, और बाकी जो लोग हैं उनको ये काम दे रखा है कि तुम बदनाम करो। अगर हम गलत लोग हैं, हमसे बात क्यों कर रहे हो भाई, हमें प्रस्ताव क्यों भेज रहे हो आप, हमारे साथ मीटिंग क्यों कर रहे हो? अगर हम गलत हैं तो या तो तुम गलत हो और या हम गलत हैं, और तुम हमसे बात कर रहे हो तो साफ है कि तुम गलत हो, हम सही हैं। इसलिए सारी चीजें बेकार हैं, मोदी जी को संभलना चाहिए और तत्कालीन कानूनों को वापस लाना चाहिए।